नमस्कार, वेलकम टू मोनिकाज किचन। तो चलिए आज हम बनाते हैं उपवास के लिए रायता। रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये देखिए, मैंने लिया है 1/2 लीटर दही, ये होममेड दही है। और ये लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कुकुम्बर, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये लिया है मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/4 टेबल स्पून। ये मैंने लिया है कैरट्स बॉईल की हुई, गाजर यानी मैंने इसे उबाल लिया है, और यह है 3 टेबल स्पून। मैंने इसे पहले बॉईल कर लिया है, उसके बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो मैंने निकाल दिया और इसको अच्छे से मैश कर लिया है। ये धनिया पत्ता 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली 1 टेबल स्पून, नमक लेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी दही को फेंट लेंगे अच्छी तरह। अब हम ये मैश किए हुए कैरेट्स इसके अंदर डाल देंगे। ये कुकुम्बर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ। अब ये ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्च, नमक 1/2 टेबल स्पून, मिक्स कर लेंगे इन सभी को। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब ये ग्रीन चिलीज डाल देंगे, इसे भी थोड़ा सा मिला लेंगे। अब ये धनिया पत्ता डाल देंगे। तो ये देखिए, हमारा रायता बनकर के तैयार है। अब आप इसे सर्व कर सकते हैं कचौड़ी के साथ या पूरी के साथ।